3 तारीख में मुजफ्फरनगर में पंचायत है टंडेरा गांव में, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचना, जिसे भारतीय किसान यूनियन तोमर करा रहे हैं, अखिलेश चौधरी हैं और संदीप तोमर जी जो हैं वो भी आ रहे हैं वहाँ पे, और ये पीयूष चौधरी हैं वो भी वहाँ पर आ रहे हैं, तो आप भी पहुंचना शिरकत करने के लिए टंडेरा गांव में। बाकी 2 तारीख में कन्नौज में मैं आ रही हूँ आप लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि बोलते हैं कि बड़ों से आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, और जो हमारे युवा साथी हैं उनका साथ भी साथ में ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साथ नहीं आप लोग युवाओं का तो कुछ नहीं होने का, युवा देश का भविष्य है। चीनी पेन पीनी चाय पीनी बंद कर दो भाई सारे, सही बता रही, चाय ने तो देश का नाश कर दिया, चाय वालों ने देश का नाश कर दिया, तुम चाय पीनी बंद कर दो, बहुत महंगी हो रही चीनी जो है, बहुत ही ज़्यादा गन्ने के होर्डिंग लग गए। पर मेरा अनुरोध है उत्तर प्रदेश सरकार से कि एक होर्डिंग और लगाएं वो बड़े बड़े, और चाहे बाबा उसमें अपनी फ़ोटो लगा ले, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ भी ना कहने के हम, चलो जहाँ इतना बर्दाश्त करा हमने, जो ना चाहते हुए भी देखने पड़ रहे लोग, थोड़ा सा और कर लेंगे। तो एक होर्डिंग लगावें कि जो खाने के सामान है उनकी कीमतें कितनी बढ़ गई, ठीक है, और जो चीनी है वो 45 रुपये किलो हो गई सितंबर में, अगस्त में थी 42, बढ़ोतरी हुई इसमें 0.7% समथिंग इतनी। और जो आटा है, आटा हमारे गेहूँ वही बिकेंगे 18 रुपये किलो, ध्यान रख लेना, हमारे गेहूँ 18 रुपये किलो ही बिकेंगे, तुम्हारे गेहूँ 18 ही बिकेंगे, सितंबर में 27 का हो गया, अगस्त में था 25 रुपये किलो, इसकी परसेंटेज आप निकालेंगे तो 0.8 या 0.7 के करीब परसेंटेज है इसकी भी। तो ऐसे ही चावल जो है 30-40 रुपये किलो पहले कितने थे, और ये तुम्हारा तेल जो है 185 से 210 पहुँच गया सरसों का, हमारे घर में आवा है वो किसानों का ही, एक लेबल लग रहा था उस पर, हमारी सरसों तो इतनी महंगी ना बिकी ही, 5-5 हज़ार रुपये की बिकी, उसी के इतने चर्चे पर्चे किसानों की, इतनी महंगी सरसों ले ली, ये ले ली, वो ले ली, इतने करे गए है, अब क्यों नहीं कर रहे कि 200 रुपया का तेल हो गया। और एक बहुत ज़्यादा चल रहा है ये तुम्हारा जम्मू का फेसबुक पे कि 18 रुपये किलो 20 रुपये किलो सेब है, चलो मान लो किराया भाड़ा लगा के 30 कर लो 40 कर लो सेब, अब ये जो है स्टोर पे पहुँचते ही 269 रुपये किलो बिक रहा है, इस चीज़ की लड़ाई किसान लड़ रहा, मैं ये जवाब उनको दे रही हूँ जो नुकैम है, तुमने रोड बंद कर रहा कि ये आधे मिल जाए, ये कमेंट से करते रहे, उनको इस चीज़ की किसान लड़ाई लड़ रहा। एक मेरे उस पर इंस्टाग्राम पे पंडित पूनम 609 जो मेरी इंस्टाग्राम आई डी है उस पर एक ने कमेंट करा कि तुम हमें खाने को देते हो, बंदा इतनी उम्र का ठीक सी 25-30 साल का, बेचारे को ये भी ना पढ़ाया, पता ना कैसे स्कूल में पढ़ा होगा, कैसे संस्कार उसे दिए होंगे, उसे ये नहीं पता कि पूरी दुनिया को बड़े बड़े नेताओं को बड़े बड़े उद्योगपतियों को किसान देवे खाने को, है ना, तो जागरूक करना चाहिए ऐसे लोगों को। और एक हमारे उत्तर प्रदेश में सरेआम राह चलती बीए की छात्रा को जो है घर से खींच करके दुष्कर्म, ऐसा पेपर में आ रहा था अमर उजाला पेपर में, और मेरे पास ये उसका वो भी है सबूत कि इस पे पेपर में आया हुआ है ये, तो इसमें घर से खींच करके रिपोर्ट लिख ली फिर छेड़छाड़ की, और ये जो है आपका परिजन जो थे उनके परिवार वाले मोहल्ले वाले, तो उनमें उन्होंने जाकर जा सुभाष नगर थाने का घेराव करा कि आपने ऐसी मामला था ये छेड़छाड़ में क्यों लिखा, ठीक है, मेडिकल होने के बाद भी दर्ज नहीं करी गई FIR की रिपोर्ट, दुष्कर्म की FIR, देखो आप कितनी बड़ी बात है। जैसे ये अब आपने देखा था मुरादाबाद में एक केस चल रहा था एक बेटी को लेकर के, एक मां आंदोलन कर रही थी, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ उस वाले मैटर में, क्योंकि वो जो लड़की थी वो अपहरण कर लिया गया, ठीक, इस चीज को बाद में बरामद कर लिया, फिर विष्णु नाम का व्यक्ति वो पकड़ा भी गया सब चीजें, और रिपोर्ट किस चीज की करी थी अज्ञात में, तो कुछ ऐसा ही मामला चल रहा है। हिमाचल में 18 रुपए किलो सेब था, उसके पीछे पूरा बवाल हुआ, स्टोर में आते आते वो 269 रुपए का हो गया, ठीक। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें बैठोगे तो सुबह से शाम तक बखान करोगे तो इनकी एक साल की नीति भी नहीं निकल पाने की। ट्रेनों के सिर्फ नाम बदलकर यात्रियों से रेलवे में जो है रेलवे जो है प्राइवेट ये कर रहे हैं सारा सिस्टम, इनसे ले रहे हैं 29% तक अधिक किराया। पहले देखा था आप वेटिंग रूम में वेटिंग हॉल में बैठते थे रेलवे स्टेशन पे, तो टिकट होता था 1 रुपए का 2 का बस इतना, अब 50 रुपए का है वो, ये भी देखो, ये चीज आप सब उठाओ। और पता है किसानों से इतने परेशान है ना सरकार, इतनी परेशान है। इंदौर MP में बाबा ने कुछ दिन पहले कंपनी ली,
सोया सोया की सोया नाम से रुचि सोया डिफॉल्टरों में, इनका भी एक नाम बड़े ऊपर हाईलाइट में आ रहा, ये भी आप देखो रामदेव बाबा के तकरीबन 2200 करोड़ रुपए माफ कर दिए कर्जे के, 2200 करोड़। अब एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी बातों के बाद भी ये लोग बोल रहे हैं कि देश में पैसा खत्म हो गया, देश में पैसा नहीं है। मतलब पैसा इतना, तेल इतना महंगा होगा, सारे खाने पीने के हिसाब किताब इतने महंगे हो गए, ठीक सारा सिस्टम जो है मजदूर को और किसानों को देखना पड़ रहा है। तो शुक्र है कि आसपास के जो जिले हैं, जो कुछ दिल्ली से लगे हुए हैं, बेचारे अपने लिगली पटका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर ले सुबह से शाम तक, खाने पीने का अपने लिया हुए हैं, ये बच्चों को खिलाने का। जो आप चलोगे बुलंदशहर की तरफ को और ज्यादा हालात खराब है, पूर्वांचल की तरफ को चलोगे खाने तक के लिए रोटी नहीं है उनके घर में, ठीक। ये सारे सारे सिस्टम आप सभी उठाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वैसे तो आप मेरी कर ही देते हैं वीडियो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, थैंक यू मीना जी और राम राम जी। एक बंदा कह रहा है कि ठीक कर रहे हैं मोदी जी, हाँ क्योंकि जिन लोगों की दुकान बंद होकर के शटर बंद होकर के काम चलते हैं ना, और मजदूर बाट देखता है कि कब मेरे घर में कुछ आवेगा, तो उन लोगों को ऐसी चीजें ठीक लग रही है। लेकिन जो हमारे देश की गिरावट थी, महंगाई जीडीपी थी, वो सारे रिकॉर्ड देखो उठा करके, क्यों एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं रहे मोदी जी, क्यों नहीं कर रहे एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्यों जनता को नहीं बता रहे, क्यों जनता से बात नहीं कर रहे, मामला क्या है? पहले देखो, अभी मेरे से भी कुछ लोग बहस करने लग जावे, कुछ लोग लाइव में भी करने लग जावे, कुछ लोग मिले हैं वो भी करने लग जावे, थैंक यू सो मच, ये नाम है भाई का, थैंक यू भाई जी। और मैं ये पूछना चाह रही, कुछ लोग मेरे से भी बहस करने लग जावे कि अमेरिका में डंका बज रहा, ये बज रहा, वो बज रहा, ये सब चीजें वो करने लग जावे, तो एक बात बताओ, अब इतने चर्चे परचे हो रहे अमेरिका के, अब क्यों नहीं बताया जा रहा, अब क्या हो रहा, अब क्यों नहीं बता रहे वे कि चर्चे परचे हो रहे हैं अमेरिका में, इतना वो हो रहा है, हिसाब किताब तकड़ा चल रहा, अब काहे को ना बता रहे। आपने देखा था, एक मैं वीडियो देख रही थी दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण की एक वीडियो थी, एक एंकर थी किसी चैनल की, कि हमने गाड़ी के पास लगा लिया, बिल्कुल गाड़ी दीपिका की गाड़ी के पास में है, दीपिका दीपिका पादुकोण क्या आप ड्रग्स लेती हैं, ड्रग्स लेती हैं। अब ये सारे सोए पड़े, सन्नाटा आ रहा इनके, कहां गए वो, पूछता है भारत, पूछता है भारत। एक बंदा कह रहा है लाइव में चीनी 20 रुपए की है, बताओ इसको शर्म नहीं आ रही लाइव में बेशरम आदमी को, आज ही मेरी मम्मी लेकर आई है चीनी 45, मेरी मम्मी ने बताई है, ठीक, और 45 रुपए किलो चीनी, बेशरम आदमी, कम से कम अपनी तेरी नाम अच्छा ना, सकल तो अपनी अच्छी राख, 20 रुपए किलो हो रही की है चीनी, कर दे कमेंट यो डिलीट, शर्म आ रही हो तो तुझे थोड़ी सी। तो इतने सारे मैटर है, इतने सारे मुद्दे हैं, इन पे क्यों नहीं बात कर रहे। अब देखो दीपिका पादुकोण की गाड़ी बिल्कुल बराबर में है, ये देखिए, ये देखिए, हाँ दीपिका पादुकोण अब ड्रग्स लेती हैं। अब ये सारे सोए पड़े, उनके फूफा के एयरपोर्ट में मिली है, उनके जो क्या नाम है रिश्तेदार के एयरपोर्ट में मिली है, सो रहे सारे, अब थूक ना रहे आके मुंह पे भारत, ये जो बैठ कर कह वे अनु का थूकता है भारत, पूछता है भारत, ये अब नहीं बोलने के, क्योंकि इनके मुंह में जो है एक, जो जैसे आपने देखी ना हड्डी डाल देते तो आदमी वो कुत्ता चुप हो जाता है, इस तरीके का मामला चल रहा है। आपको अपनी आवाज खुद उठानी पड़ेगी, और एक बात का भी आप प्लीज विशेष ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितने से कितना बड़ा नेता हो, किसान नेता हो या कोई वैसा नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब तक आप नहीं चाहेंगे ना आपको कोई बेच सकता है, ना आपके आंदोलन को कोई बेच सकता है, ना आपके आंदोलन को बेच करके कोई जा सकता है। बस आप अंधभक्ति से अंधविश्वास मत करना, जैसे इनके मोदी जी के समर्थक जो है अंधविश्वास करते हैं, बस आप उस अंधविश्वास को मत करना, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, चाहे वो आप ही क्यों ना है, इस बात को विशेष ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति आपके अधिकार को नहीं दिलवाएगा, वो आपका जो पूरा एकता है, पूरा आपका समूह है, वो दिलवाएगा। इसलिए प्रॉपर किसी पर पूरा विश्वास नहीं करना, ठीक है सबका साथ देना, सहयोग देना, लेकिन जब आपको लगे कि वो गड़बड़ कर रहा है तो आप अपना रास्ता अलग चुन लेना, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि पहले भी आंदोलन बहुत हुए हैं, आंदोलन बेक कर भी लोग बहुत गए हैं, दलाली करके भी लोग बहुत गए हैं। 2018 में आंदोलन चल रहा था गाजीपुर बॉर्डर पर, रात को नेता भाग गए हैं, इसी बॉर्डर पे से बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे, मैंने देखा इसके इसमें यूट्यूब टीवी पीवी से पा गया, 2018 में इस गाजीपुर बॉर्डर पे बड़े बड़े नेता रात को भाग गए, सुबह को किसानों ने बेचारे ढूंढ रहे, वे नेता भी बैठे हुए हैं। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना,
किसी को आप अपने घर का, यानी कि पूरे किसान आंदोलन आपका घर है, आपका परिवार, आपका मंदिर है, मुखिया नहीं बनाना किसी को भी। देखिए सपोर्ट सबका करिए, रैली सबकी कराइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा मत कर देना जैसे वो क्या नाम था हरियाणा का जाट आंदोलन को बेच के यशपाल मलिक चला गया। ऐसा किसी के हाथ में मत आन देना। कोई नेता आंदोलन को छोड़ के जावे, आंदोलन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जो आपकी आवाज उठावे, चाहे वो किसानों की आवाज है, इतना बेरोजगारी फैल रही दुनिया में, आप सबको सुनिए, सारे नेता जो है उनको सभी को सुनो, और आज सबका एक रिजल्ट भी निकालो कि कौन नेता कितनी बात बेरोजगारी पे कर रहा, कितनी बात महिलाओं पे कर रहा, कितनी बात सरकार के खिलाफ कर रहा, और कितनी बात घुमा घुमा करके कर रहा। सबके आप रिजल्ट निकालिए तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कौन किसके साथ है। क्योंकि आप जितने भी लोग हैं, ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बेशक बिना पढ़े लिखे हैं लेकिन ज्ञान इतना है, वो मुंह ढकी हुई गांव में औरतों को बताता है भैया उस आदमी की बहू है, फलाने की बहू है, वो अरे वो उसके छोरा की बहू है, ऐसे ऐसे तजुर्बेकार बुजुर्ग हैं हमारे देश में। तो ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा, आप सबको बहुत ध्यान से सुना करो, ऐसा नहीं है कि नहीं, अपने विरोधी को सबसे पहले सुना करो, ताकि विरोधी जो है कुछ भी बात मुंह से निकाले, कुछ भी सांस मुंह से निकाले। मैं एक बात बता दूं, मैंने ज्यादातर जो है बीजेपी के नेताओं को फॉलो किया हुआ है ट्विटर पे, क्यों पता है, ताकि वो सांस भी ले तो हमें पता चले, ताकि जितने हमारे चैनल वाले भाई सपोर्ट करते हैं उन्होंने किया हुआ है, उन्हें पता लगता है ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं आजकल। तो इसीलिए आप विरोधियों को भी सुनो, विरोधियों का सुनना बहुत जरूरी, कि वो सही क्या बोल रहे हैं, गलत क्या बोल रहे हैं। और गलत का फटाक से आप सभी को विरोध करना चाहिए। सही तो वो चापलूसी करने के लिए अपने लिए बोलेंगे, सही आपके लिए नहीं बोलेंगे कि इतना विरोध हो रहा सरकार का, इसलिए बोलेंगे। बाकी अपने विरोधियों को मैंने फॉलो किया, एंटी जो सरकार है, मैं सरकार की नीतियों के जिनके खिलाफ हूं उनके नेताओं को मैंने ज्यादा फॉलो कर रखा अपने ट्विटर पे, ताकि वो सांस भी निकाले तो पता चलता रहे। क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ बड़े बड़े नेता इनके बहुत बयानबाजी दे रहे हैं, तो बहुत ध्यान की बात है। और बाकी मैं आ ही रही हूं 2 तारीख में कन्नौज में आप सभी से मिलने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए, युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए। अलग जगह हुआ है भाई उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बात सिर्फ किसानों की नहीं है, किसान की औलादों की भी है, जो बेटे हैं 25-25 साल के, वो नौकरी पे भी नहीं है, बात उस बेटी की भी है जिसका मैंने जिक्र करा, बात ऐसी बहुत सारी बेटियों की, एक एक का पेपर में आ गया, 2 का आ गया, मीडिया में आ गया, बात और भी है जिनकी बात नहीं उठाई जाती, आवाज नहीं उठाई जाती है। तो मेरा अनुरोध है आपसे सभी को, बहुत गौर से सुने, और इसमें आप सभी सपोर्ट करें जैसा आप कर रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं, आप सभी को करना चाहिए इस बात के लिए। बाकी आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करना ना भूलें, @PoonamPanditIND। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर करिएगा, ताकि मैं आपसे रूबरू भी हो सकूं, PanditPoonam609 के नाम से। बाकी आपके पास मेरी ऑफिशियल ID भी है। और हर चीज का आप रिजल्ट निकालिए, ये मत सोचिए कि उसके खिलाफ क्या हो गया, उसके खिलाफ क्या होगा, उसका क्या, बिल्कुल नहीं। आप अपनी विचारधारा पे चलिए, अपनी सोच पे चलिए, रिजल्ट निकालिए, शुरू से किसी के साथ क्या हुआ, किसने क्या किया, किसने क्या ना कहा, पेशेंस मत खोइए, क्योंकि कड़ी को तोड़ने की साजिशें चल रही हैं।